What is up? So welcome back to my channel. So guys, आज फाइनली हम लोग वो व्लॉग बना रहे हैं जिसपे हम सबके व्लॉग पे सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग व्लॉग. हाँ, यही होता है कि हम लोग मिले कैसे. मेरे ख्याल में जो मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको थोड़ा बहुत पता हो, बट आज तक हमने भी खुद एक्सप्लेन नहीं किया है एज सच कि हम लोग मिले कैसे. और मैं ये सोच रहा था अभी क्या ना, तू ऐसे हमारी फोटो वोटो भी लगा दियो पहले वाली, कोई पुरानी फोटो वो उसका हम अलग भी बना सकते. हम स्कूल ड्रेस लेके आएंगे अपनी मम्मी ने दे दी किसी को, मेरी भी दे दी, स्क्रिबल वाली पड़ी है, मेरी भी स्क्रिबल शर्ट पड़ी है. तो गाइस, आज हम वो एक्सप्लेन करेंगे कि हम लोग कैसे दोस्त बने और यही हाउ वी मेट, और अपनी कुछ स्कूल की पुरानी स्टोरीज भी बताएंगे फनी. तो स्टार्ट करो अभी व्लॉग. स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहली चीज कि हम लोग सब सेम स्कूल में थे गाइस. मैं तो इमोशनल सा हो गया, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा. फ्लैशबैक सा आ गया एकदम से, क्योंकि हम वो सारी चीजें सोचते हैं. यार ये कितना पतला होता था ना तब तोमर, और तू भी डोले सोले दोनों इतने पतले होते थे. मैं भी बहुत पतली थी उस टाइम पे. तो अब ये मतलब ये गायब थी. उल्टी बातें करती थी, आज भी वही उल्टी बातें. मैं भी टोक दूंगा इसको, अभी उल्टी बातें करती थी और अब उल्टी करती है. और मैं अभी टोक दूंगा इसने जो उल्टी बात की है. कहती हम स्कूल का नाम तो नहीं बताएंगे. उन्होंने पूछा बताएंगे, तूने बोला ही क्यों हम नहीं बताएंगे. ये ना ये बहुत एक्स्ट्रा बोलती है पता तुझे. मैं तो कह रहा हूँ मार दे आज. तो अब आगे बताओ, हम स्कूल में मिले थे. मैं 10th में थी, ये लोग 11th में थे. मैं इनकी जूनियर थी गाइस. हाँ, ये हमारी so, जूनियर. मैं इससे शुरुआत में जूनियर से दिखाऊं, जूनियर से दिखाऊं. फोन कर, मेरे फोन पे फोन कर जल्दी. काजल चौधरी जूनियर से सेव कर रहा था, इसका नंबर मुझे पता है. जूनियर के नाम से सेव कर रखा है, इसका नंबर है मेरा, क्योंकि एक ही नंबर है स्कूल के टाइम से ना. वही तो नंबर, मैंने नंबर चेंज नहीं किया. तो मैं ये बता रही थी गाइस, सबसे पहले मैं मिली थी स्कूल में इससे, और वो भी बहुत गंदी तरह मिले थे. मतलब लोट पलोट हो गए थे, कीचड़ में गिर गए थे, एक दूसरे पे मट्टी फेंक रहे थे. उस दिन बारिश आई हुई थी, पानी भरा हुआ था, ये फिसल के गिर गया था. इसने काजल को देखा, इसने गोले बनाए मिट्टी के, फेंके गंदी तरीके से मिले. अबे नहीं भाई, इसको ना बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी. ठीक है, जैसे हम मिले थे ना, बिल्कुल उल्टी स्टोरी थी भाई. बिल्कुल इसको कुछ ऐसा लगा था, मैं इसको देख के गाना गा रहा. मैं पूरी बता रही हूं गाइस, मैं स्कूल में नई नई थी. तो हमारे स्कूल में ऐसा था कि नीचे ग्राउंड के साथ में म्यूजिक रूम था. तो मैं म्यूजिक रूम में जा रही थी अकेली, अपनी फ्रेंड नहीं, मेरी एक फ्रेंड भी थी साथ में, दीपांशी. वो अकेली जा रही थी, मेरी एक फ्रेंड थी. देखा, मैंने कहा था ना दिमाग वैसा ही है. पुरानी बात है ना, अभी याद आ रही थी. पांच शेयर में जा रहे थे और तो पुराने जमाने का दिमाग हो गया. नहीं बोलने दूंगी. कमेंट करके पूछते हैं तो ऐसे क्यों बोलता है, दूंगी खाऊंगी आइसक्रीम खाऊंगी. किसी ने नहीं पूछा, सही में पूछा. मेरे ब्लॉग में देख लेना पता चलेगा. किसी ने नहीं पूछा. वो तुम काट के बाहर यार, तूने फिर बोला तो कैसे फनी में बोलता है. अरे वैसे बोल देता हूं, ये मेल है. तो गाइस बांशियर में जा रहे थे म्यूजिक रूम में, अपनी गैंग के साथ खड़ा था. तो जैसे ही ये इधर खड़ा था और मैं इधर से निकल रही थी, इसने ना पीछे से ये वाला गाना गाया, तेरी आँखें गायो काजल. और मैं ऐसे हो गई बिल्कुल, मैं बहुत यार सही में बहुत इनोसेंट थी, और मैं सीधी सीधी जा रही थी, मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा. फिर दीपांशी ने बताया था मुझे कि ये था कैरी आँखों का जिसने गाया था यार. फिर हम इससे दोबारा कभी नहीं, तभी से ऐसे कह रही थी कैरी आँखों का. मैंने पूछा कि तूने मुझे देख के ऐसे गाना क्यों गाया था. मतलब एक काइंड ऑफ तूने बुली किया था, नहीं बुली था, इससे कोई बात नहीं करता था. इसने वैसे गाना गा दिया, इसको लगा चल कोई तो बात नहीं करता, इससे बात कर लेती हूँ, चल जाके बेफालतू में सिर हो जाती हूँ. तूने गाना क्यों गाया था. बेफालतू में सिर हो जाती हूँ. मम्मी का फोन आया. मम्मी, हाँ मम्मी आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी आऊंगा.
जल्दी जल्दी। फिर मैंने इसे कन्फ्रंट किया, मैंने कहा यार तूने ऐसे देख के मुझे गाना क्यों कहा, मेरे को बहुत ऐसे हैरेसमेंट फील हुई। हां इसने बिल्कुल लिटरली यही वर्ड यूज किया था मुझे ना हैरेसमेंट से फील। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बुली करा, जैसे सीनियर जूनियर को कर देते हैं। तो मुझे इसका नाम भी नहीं पता था उस टाइम, तो क्योंकि उस टाइम नहीं तो फेसबुक वगैरह पे भी नहीं थी उस टाइम, तेरे को कहां से ऐड करता, ये सोशल मीडिया पे नहीं थी तो मेरे को इसका नाम ही नहीं पता था। और ये स्कूल में दिखती भी कमी थी, अपने अपने में रहती थी, कोई पतली सी थी, दिखती नहीं थी, पिंचल इंडिया थी, पिलर के पीछे भी खड़ी जाती थी वैसे नहीं दिखती थी तो इसका। और ये बस में आती थी, बस में जाती थी, तो इसका कुछ पता ही नहीं था हमें सीन। तो है ये सीन था मतलब ऐसे फेमस गर्ल मुझे ना तो ये फेमस होने के चक्कर में इसने आके बोल दिया तुम हरास कर रहे हो ना। और मैं स्कूल में गाइस न्यू थी, साइंस में आई थी, हम आर्ट्स में थे। किसने पूछा तू होगा आर्ट्स में? हां तू ही तो था, मतलब आर्ट्स में थी भाई, साइंस में भी आर्ट्स में था, साइंस मेडिकल। मैं भी साइंस मेडिकल में गया था 11वीं में, लेकिन मैं फेल हो गया, औकात पे आ गया, फिर मैं आर्ट्स में, ये हमारे लिए उसमें आ गया। तू भी आर्ट्स में था ना? फिर भी हम 12th पास है, बोल रहा हूँ। फिर मैं इससे मिली, इसका तो कुछ अता पता था ही नहीं मुझे कि प्रशांत नाम का भी कोई लड़का है। फिर हम लोग फ्रेंड्स बन गए, हम आपस में काफी हैंग आउट करते थे। वो जानती नहीं होगी प्रशांत नाम का कोई बंदा, और ये हैंग आउट सिर्फ स्कूल स्कूल में करते थे, हमें बाहर का मतलब नहीं। द्वारका में जाके पूछ ले, नाम बता दो मुझे स्कूल में, मुझे पता चला था प्रशांत क्या हो वो कैरेटोमर। मुझे प्रशांत नहीं पता था कौन है, मुझे ये पता था होबो नाम का कोई लड़का है। तेरा दिमाग फाड़ दो भाई, अगर इसकी कोई आलू आलू खाता रहता है तेरे हाथ, आलू ही खाता था स्कूल में भी, गुस्सा दिला दे इसने मेरा नाम बता के। फिर गाइस एक दिन क्या हुआ, ऋतिक से दो फ्रेंडशिप हो गई थी हमारी। फिर उसके बाद ना स्कूल में ऐसे कुछ और क्लास के लड़कों ने ना ऐसे मेरे को तंग करना शुरू कर दिया था, हमारी गर्लफ्रेंड बन जाओ, हमारी गर्लफ्रेंड बन जाइए, वो मैंने बेकू बना रही है, कुछ बोला भी नहीं था उन्होंने। उन्होंने कहा था कि मेरे राखी बांधो, तू बहन बहुत गंदी तरीके से देखती है, मैं तेरा भाई बन जाता हूँ। बकवास कर लो, अगर ये बात सच्ची नहीं हुई ना कम बकवास कर लेना। तो सच्ची तो थी पर मेरे को यकीन नहीं हो रहा वो कौन था जो तेरे को पसंद कर रहा था। तो फिर मैंने ऋतिक को बताया कि भाई ऐसे से ये लड़के तंग कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। तो ऋतिक ने कहा चल हम देख लेंगे, उसको बता दे कौन है लड़का, क्लास व्लास सेक्शन सब बता दे। फिर ऋतिक ने मुझे इससे मिलवाया, तब हम मिले थे क्योंकि इन्होंने लड़ाई झगड़े करके उस बच्चे को समझाया था कि ऐसे ऐसे मत कर, गलत होता है, लड़की को तंग मत कर। इसके वजह से मेरे को अपनी लाइन चुननी पड़ी, माफिया। मुझे कुछ भी होता था ना तो मैं इन लोगों को बताती थी यार ये लड़का अभी भी ऐसे ही है, कि ये लड़का ऐसे कर रहा है, बदतमीजी कर रहे हो, तो ये लोग अपने आप ऐसा कुछ नहीं है यार, हम शरीफ बच्चे हैं वैसे। पर ये है कि जब थोड़ा अपने लोगों पे कोई बात आ जाती है तो कोई भी शरीफ नहीं है यार, तुम भी या तुम्हारे किसी लोग घर वालों, बस बस समझ गए समझ गए, वो समझ गए। मैं अपनी फीलिंग समझा, जब तुम्हारे ऊपर कोई बात है तुम भी समझ, तू वो वाली बात बता फिर अब आगे बता। तो ये तो थी कि हम लोग मिले ऐसे, कैसे फिर हमारी दोस्ती यारी सब हो गई बढ़िया। फिर इसको एहसास हुआ कि मैं इनसे क्यों मिली, वो वाला पार्ट बता। डेयर, अब डेयर बता। एक बार की बात है, काजल मेरे अंदर तेर मेर नहीं है, बोलूं मैं? काजल ना एक बार लंच ब्रेक में भाई क्या करती थी ना, ये इतनी एक तो पतली सी थी, लाइन में से ऐसे से निकल जाती थी, कैंटीन होती थी स्कूल की। अच्छा हम पीछे खड़े रहते थे, तो काजल एक बार ना मैक्रोनी वगैरह ले रही थी और उसने डब्बा लिया, मैं आधे पैसे लेके काजल को पड़ा, मैं कहा अपना और ले लिया हम जा रहे हैं। और इसने तो ये किया जो मैंने किया, इसने मैंने तो बुरी गई भाई, मैं करता ही ऐसे था, मैं गंदा आदमी। हम पीछे कभी कभी तो जब हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी ना, हम पीछे खड़े रहने लगे कि हाँ ये लेके आ रही है ना चाची। और मैं भाई यार सही में बहुत इनोसेंट होती थी स्कूल टाइम में, टिफिन तो मैं खा लेता था स्टार्टिंग में, मैं और ये क्लास में थे हम खा लेते थे स्टार्टिंग में, स्कूल के फर्स्ट पीरियड में टिफिन खा लेते। तो फिर उसके बाद ऋतिक बताएगा, बता भाई। तो जैसे काजल, जब हमारी अच्छी दोस्ती होती थी ना, काजल लाइन में लगती थी, काजल के पीछे पीछे हम खड़े रहते थे, काजल जैसे भी लगती थी, मैं कहा हमारी दोस्त चलो भाई, फिर हम इसका डब्बा इससे ये कुछ भी नहीं खा पाते थे, हम ही खा लेते थे, हम ही खा लेते थे इसका, हम ही खा लेते थे। होता है मैं कुछ मंगाती हूँ ना खा जाते हैं, ये भी नहीं पूछते कि यार तू भी खाएगी या नहीं, कुछ आखिरी का भी बाइट बचता है ना अगर वो भी मैं ऐसे खाने होगी झपट। नहीं भाई मैटर को थोड़ा बहुत छोड़ देता हूँ, देखते हैं। पर आज भी इनकी ये आदत है गाइस कि मैं कुछ भी खाने का मंगा भी लेता हूँ, वो पुरानी आदत है आज तक चलती आ रही है जो मैं समझ जाऊँ। और गाइस
हमेशा आए दिन ये होता था, मैं बस से जाती थी, ये लोग तो अपनी बाइक स्कूटी जो भी लाते थे उनसे जाते थे, तो मैं जैसी बस में बैठती थी ना, आए दिन भीड़ लगी रहती थी हमारे स्कूल के बाहर, कभी प्रशांत की लड़ाई, कभी इसकी और लड़ाई, मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई, हमारे ग्रुप की लड़ाई हो जाती है। अरे लड़ाई भी नहीं होती थी, हमारा यार ग्रुप बहुत बड़ा था, 14-15 लड़के थे हम, 14-15 23 थे, अब तो 14-15 अब रह गए, 23 जने थे हम, और क्लास में कोई पढ़ा लिखा लड़का था ही नहीं, मतलब अरे पढ़ा लिखा मत कह, पढ़े लिखा हूँ मैं, अरे यार वैसे मतलब कोई पढ़ने वाला था ही नहीं, हमने मास बंक वगैरह भी सभी एक साथ कर लेते थे, क्योंकि और 4-5 लड़के होते थे, हम बोलते थे आप छुट्टी कर लेना क्योंकि हम सारे तो आ नहीं रहे, चार आप जने पढ़ के भी क्या करोगे, ऐसे हो जाता था पूरी क्लास के पास, हम सब लड़के ऐसे थे सारे भाई, बहुत मजा आते थे यार, क्या दिन थे। अच्छा बैक टू काजल। हाँ तो फिर मैं बस से देखती थी भाई इनको लड़ाई झगड़े हो रहे होते थे, फिर मैं इनको फोन करके पूछती थी, मैसेज करती थी तुम्हारे तो लड़ाई हुई, वो फिर अगले दिन जब मुझे दिखते थे ना कि स्कूल आ गए तब शांति पड़ती थी, वरना मेरे स्कूल में यही होता था सस्पेंड कर देते थे लड़ाई झगड़े देख के लड़कों को, काफी बार ये मेरे को देख नहीं पाई। Guys, एक बार तो हमारा स्कूल का टाइम पीरियड इतना डिप्रेशन में निकला था ना कि हमारा दोस्त सस्पेंड हो गया था लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 6-7 महीने, एक साल के नहीं, रिलैक्स करो गाइस। और बेचारे को स्कूल में मतलब मिलने के लिए बैन कर दिया था कि मिलने भी नहीं आ सकता था स्कूल में किसी से, स्कूल के बाहर भी मतलब उसका ग्राउंड था हमारा, ग्राउंड में ऐसे जाल था, जाल के पास में ऐसे पार्क था सोसाइटी का, सोसाइटी के पार्क में आता था और हम जाल में से खड़े होकर ऐसे बात करते थे, ऐसे उंगली पकड़ता था, हेलो यार मुझे आज तक याद है जब आता था जाल पे से हमसे मिलने, क्योंकि इसको स्कूल में क्योंकि ये लोग मेरे फैन थे, ऐसे उंगली करते थे उसमें से, उंगली करते थे जालियों में से हाथ निकालते, घर से उठ के ये आ रहा है सर, प्रशांत फैन सर, ये घर से उठ के ये आ रहा है हमसे मिलने के लिए, हम उसके फैन थे। मेन बात ये होती थी गाइस कि पहले से हम टाइम टेबल बना के रखते थे कि ये हमारा गेम्स पीरियड होगा हम इसमें आएंगे, तो हम इसको बता देते थे उसी टाइम अपने घर से आता था पार्क में, भाई क्या दिन थे यार, कैसे क्यों गया मैं उन पार्कों में। बर्बाद हो जाती है जब मैं 12th में गई, ये लोग तो स्कूल से निकल गए, फेयरवेल वेयरवेल हो गया सब कुछ, निकल गए नहीं पास आउट हो गए, तो स्कूल से पास आउट हो गए भाई जिंदा है। मैंने स्कूल से ले ली सिटिंग क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था स्कूल में करने को, फिर कोई यार दोस्त कुछ नहीं, ऐसे डिप्रेशन वाला माहौल, मेरी एक तो साइंस मेडिकल थी और दीपांशी ने स्ट्रीम चेंज कर ली थी 11th के बाद ही, वो भी उसमें चली गई थी कॉमर्स वॉमर्स में चली गई थी वो, तो दीपांशी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पढ़ी नहीं जा रही होगी, इसको पता नहीं कहाँ चली गई थी, क्या हो गया था इसकी बेस्ट यार मैं कंफ्यूज हो गई, तो वो भी चली गई थी दूसरी स्ट्रीम में, मेरा कोई दोस्त ही नहीं बचा था, फिर भाई मैंने ले ली 12th में सिटिंग और मैं बैठती थी घर और मैंने घर बैठ के पढ़ाई करी, मैंने 12th में जाना ही छोड़ दिया स्कूल, सिर्फ एग्जाम देने जाती थी गाइस, मैंने इनके पीछे स्कूल छोड़ दिया था गाइस, पर वो मेरा बहुत डिप्रेसिंग सा फेस था क्योंकि भाई सुनसान हो गया था स्कूल, छोटा बच्चा हमारा सैड हो गया था, फिर मुझे फिर मैंने सिटिंग ले ली थी, फिर तो फिर दोबारा हमारे सामने ऋतिक और प्रशांत आए, बस गाइस तो गाइस यही थी हमारी स्कूल की स्टोरीज छोटी मोटी, हमने और उसके बाद तो तुम देख ही रहे हो साथ में घिसड़ रहे हैं इधर उधर, बाकी बहुत सारे ऐसे फ्लैशबैक्स है यार, कभी धीरे धीरे ना बताते चले जाएंगे, धीरे धीरे सुनाएंगे सबको, ऐसे मैं बता रहा हूं 10-15 व्लॉग तो मैं ऐसे ही बना दूंगा, ये व्लॉग बहुत बड़ा बन जाएगा अगर हम सारे ऐसे स्टोरीज में नहीं धीरे धीरे बताते जाएंगे, 10-10 मिनट के बनाए ना तो मैं 10-15 व्लॉग बना दूंगा मैं ऐसे, सही आइडिया, ऐसे और भी कहानी सुननी हो ना तो हम बीच बीच में किसी किसी के चैनल पे डाल दिया करेंगे ऐसी, है ना, और हमें ना अपने एक रिएक्शन वीडियो भी पता भी कहाँ डाल दी, तो हमें सबके चैनल को देखनी पड़ेगी फिर वो वीडियो, तो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग गाइस, आज तो बैठे बैठे बहुत बोल लिया, पानी पीना पड़ेगा अब जाके मुझे, वो आखिरी वाली बात कमेंट करके बताओ रिएक्शन वीडियो कब से शुरू करनी है फटाफट बताओ, और गाइस तुम्हारे स्कूल में भी अभी जो पढ़ रहे हैं वो भी अपनी कुछ स्टोरीज बता सकते हैं कमेंट में कि तुम क्या कंप्यूटर बना, अपनी अपनी अच्छी अच्छी स्टोरी बताओ, देखते हैं हम कितना अपने रिलेटेबल स्टोरीज बताओ, हम देखेंगे हम कितना रिलेट कर पा रहे हैं और कितने आप हमसे रिलेट कर पा रहे हैं, और गर्ल्स मुझे बताना कि तुम्हारे स्कूल में भी कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, इसी व्लॉग में सब बतवा दो बतवा दो, तुम्हारी बैक पे रहते थे 24 घंटे और फिर तुम ऐसे बैक पे एक को नहीं उठा सकती, तू बैक हो ना तुम मेरी,
हम ये सब यूज नहीं करते, शेर अकेला जाता था चल चल और पिट के आता था। ओ आज तक नहीं पिटा, रिकॉर्ड है, बजाता फिरूंगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके इस चैनल को प्यार दर सब्सक्राइब कर दो फटाफट, मेरे को 200 के करने हैं अभी के अभी, दो तीन महीनों में। मेरे को 10,000 ही करने हैं। मेरे को भी करने हैं, मेरे भी करा दो। आगे ना गरीब हूँ मैं, मेरे ये तो तरीका ठीक मानने का। सानू नेड़े ला लाया सी गुची सेटियां, दिल दे मोमे आदतां ने कंबियां।